हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज ये कोई व्लॉग और ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाली है। आज मैं सुबह यूट्यूब चला रहा था तो स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिली। तो वो चैनल का नाम था रॉयल सोल्जर्स। तो उस पे मैंने वो वीडियो देखी तो उन्होंने उस वीडियो में किसी के बारे में बताया है, तो लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया तो नाम मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने जिसके बारे में बताया है वो है पारस ठकराल व्लॉग्स। तो आप देख लीजिए रॉयल सोल्जर वाली वीडियो। जय दोस्तों, कैसे हैं आप? यार वैसे मेरा कभी इन सब चीज़ों में पढ़ने का कभी कुछ मतलब रहा नहीं है, लेकिन कई बार कुछ लोग मजबूर कर देते हैं कि इंटरनेट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप, आपका परिवार, बहुत सारे नौजवान इस प्लेटफॉर्म पे आके वीडियोस देखते हैं। शुरुआत होती है शादी की और सुहागरात मनती है यूट्यूब पे। मतलब हद की बात है, बेशर्मी की सारी हदें पार करने वाली बात है। इस वीडियो को देखिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा ऐसे लोगों के बारे में। हैव अ लुक ऑन दीज क्लिप्स। अभी एक कपल शादी करता है, जूते चुराई जो भी होती है उसमें कहता है 2100 रुपए। उसकी बहन फिर कहती है ये पैसे तो तुम्हारे एक वीडियो से ही निकल जाएंगे। फिर दूसरी इसकी बहन कहती है इससे डबल तो ही कमाता है। जिन लोगों का मकसद कोई संदेश देना ही सिर्फ पैसे कमाना है तो वो देखिए किस हद तक गिर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। हैव अ लुक। पैसे दू, चुप हो जा, 100 रुपए ले ले, चुप हो जा बेटे। जिंदगी में सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जाती, कुछ प्यार एक इमोशन नाम की भी चीज होती है, पहले सीखो उसके बाद शादी करनी चाहिए थी तुमको। हेलो, हेलो करो, बोलो सब्सक्राइब कर दो। ये माइक फॉस्ट्रो है, ब्रावो चार्ली। सब्सक्राइब के अलावा जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। कैसे लोग हो यार तुम? नहीं बोलता। मैंने हल्का सा कुछ बोला तो मेरा डॉगी मुझे मनाने आ जाता है। थोड़ा सा प्यार इन बेजुबानों से सीख लेते शादी करने से पहले। बेटा बेटा, बस 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 बेटा, तुम जैसे भी हो हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तुम सुखी रहो, आबाद रहो, लेकिन चोरपंथी जो है कंट्रोल में रखो। ये वो चैनल है जहाँ पे सच्चाई में और बुराई में, गलत में और सही में फर्क बताना मेरी जिम्मेदारी बनता है। मॉरल वैल्यूज को अप रखना जिम्मेदारी बनता है। देश के युवा को बताना इंपॉर्टेंट है कि कोई फन या मजाक नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी। आगे देखिए इनकी हरकतें, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इनके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। हैव अ लुक। नहीं, इसके कहने का मतलब है बैंकेट और जूता जल्दी बुक हो जाएगा, उसके बाद हम हनीमून पे जा पाएंगे। ये बंदा मुझे कहने की दिमाग से भी हटाओ लगता है। हाँ है, हाँ हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। ये समझदार है लेकिन मम्मी के सामने बोल गई, बस गलती ही कर गई। मम्मी को पता है? हाँ मम्मी को तो पता है, इसलिए मैं ही पैदा हुआ हूँ। हाँ बेटा, तेरी मम्मी की वजह से तू पैदा हुआ है, नो डाउट, लेकिन अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट में कम से कम इतनी तो शर्म कर कि तू माँ को क्या बोल रहा है। माँ को बोल रहा है कि सुहागरात का पैकेज लेने के लिए, मम्मी को तो पता ही होगा। मतलब यार क्या है, तुम कैसे कैसे बेटे हो तुम अपनी माँ के यार, थोड़ी बहुत शर्म करो, सोसाइटी को मत बिगाड़ो। ये क्या हो रहा है इधर? नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मतलब इसकी न्यूली मैरिड वाइफ की रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो कैमरा किस एंगल से लगा रखा है इसने। हाँ बेटा तू सेरेलेक खा, तू इसी लाया गया बच्चा ये। तू अभी और बहुत सारे भाई ना मेरे कमेंट कर रहे थे कि भाई सुहागरात कैसी रही। तो सुनिया इधर आइयो, बस बता जरा इसको, इसको पता है इसकी सुहागरात कैसी रही, बता दे इसको, पता है इसको। थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती यार, बीवी को जबरदस्ती करके पूछ रहा है कि सुहागरात कैसी रही। कैसे लोग हो यार तुम लोग? ऐसी रही कि स्नेहा आई और मस्त सो गई। बेटा जीवन साथी का मतलब सिर्फ पहली रात को ही सब कुछ कर लेना नहीं होता, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उसको फिजिकली मेंटली एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन तुम क्या समझो उसका मतलब क्या होता है? तुम्हें तो बस वही सब आता है जो तुम अपनी बीवी से पूछ रहे हो। हैव सम शेम। मम्मी मेरे से पूरा दिन पूछती रहते हैं कितने व्यूज आ गए, कितने व्यूज आ गए, कल वाली पे 4 लाख है, आज वाली पे 3 लाख है ना सुनू। ब्रावो चार्ली, मतलब जिंदगी तुम्हारे लिए व्यूज से बढ़ के ऊपर तुम लोग कुछ सोच नहीं सकते यार। जिंदगी में व्यूज सब कुछ हो गए तुम्हारे लिए। कल को भगवान ना करे तुम्हारी माता जी कुछ हो जाए ना, हार्ट अटैक आ जाए, कुछ आ जाए, तो तुम लोग पता क्या करोगे, कैमरा लेके पीछे से बोलोगे देखो मेरी माँ को हार्ट अटैक आ रहा है, पहली बार आप देख रहे हैं कैमरे पे किसी को मरते हुए। मतलब यार
कैसे हो तुम लोग यार? व्यूज, जिंदगी में व्यूज से ऊपर उठो, कुछ करो यार, कुछ सोचो तुम लोग। क्यों सोसाइटी को बिगाड़ रहे हो ऐसी हरकतें करके? गाइस ये देखो कचरा हमारे घर में कैसे पड़ा है। ये बात तो बिल्कुल सही की तुमने, कचरा तुम्हारे घर में नहीं तुम्हारे दिमाग में भी भर भर के पड़ा हुआ है। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। गाइस मेरी शर्ट्स गुम हो गई हैं। अभी कुछ बुद्धिजीवी ऐसे भी आके बोलेंगे सर अपनी लाइफ में कुछ भी करे आपको उससे क्या मतलब? मुझे मतलब है, मुझे फर्क पड़ता है अपनी सोसाइटी के लिए। ये सब जो चीजें ड्रामा करना है अपने घर में करे, पब्लिकली दिखावा क्यों? ऐसा बोल देने से बात नहीं बनती। शायद आपके घर में छोटे बच्चों की वो भी ऐसे की हरकतें देखते होंगे। अब इनकी अश्लीलता का लेवल अभी आपको दिखाने वाला हूँ, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि मैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट ऐसा अजीब सा वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ पहली बार। मैंने बॉलीवुड का बॉयकॉट किया था, बहुत बड़े लेवल पे एक आवाज उठाई थी, एक चिंगारी फूंकी थी। इसका मतलब नहीं कि यूट्यूब पे ऐसे लोग आके देश की एकता अखंडता को और संस्कृति को बिगाड़ते रहेंगे और आने वाली युवा पीढ़ी को अपने जैसे रंग में रंगते रहेंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के धर्म में मान्य होते हैं कहाँ पे भी कहीं पे भी टांग उठा देते हैं। इन लोगों का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, लेकिन आप खुद औकात देखिए, पति अपनी पत्नी को पब्लिकली वीडियो के सामने गर्भ निरोधक यंत्र मुंह में डाल रहा है, चटा रहा है, तो ये ऐसे लोगों की औकात। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मेरी जो सुहागरात है वो नहीं हुई है क्योंकि स्नेहा आके सो जाती है, तो बात दिल पे ले गई और उसने हमें गिफ्ट किया है हनीमून बेड जहाँ पे अभी हमें जाना है। मतलब ऐसे लोगों का निष्ठा का सर इतना ज्यादा गिर गया है कि कहीं पे भी कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी सोचिए जिस रूम में इसने अपने हनीमून के लिए जो भी बेड वगैरह बुक किया है उसको जाके पूछता है, क्या सवाल पूछ रहा है, बेहुदा सवाल पूछ रहा है उस होटल वाले से कि इस रूम में कितने लोग आ सकते हैं। मतलब चाहता क्या है, क्या करवाना चाहता है लोग? मतलब बुद्धि दी है कि नहीं दी भगवान ने ऐसे लोगों को? देखिए जरा ऐसे जाना है होटल, दिस इज अमेजिंग, लिटरली दिस इज अमेजिंग, पूरा हनीमून बेड लग रहा है स्नेहा। ब्रावो चार्ली, हनीमून बेड लग नहीं रहा है जिसको तुमने पैसे दे के बुक करा है, तुझे क्या खेल का मैदान लग रहा है? लेकिन भैया एक चीज पूछना चाहूंगा, इस रूम के अंदर कितने लोग अलाउ हो सकते हैं, मतलब अगर हम बुकिंग करें तो? वाह क्या स्तर पाया दिमाग का, मतलब हनीमून के साथ तू अपनी बीवी के साथ मतलब 2-4-5 लोगों को लेके आना चाहता है क्या रूम में? बहुत अच्छा लग रहा है, शायद एटलीस्ट आज मैं यहाँ सो ना पाऊँ। क्यों तो नाचना क्या भूल जाते हैं? बेटा नाचने के लिए भी दम और टैलेंट चाहिए। और गाइस सबसे पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हमारा ब्लॉग होता है वो हमारा फैमिली ब्लॉग ही रहता है, पूरा फैमिलियर कंटेंट होता है, कुछ भी इसके अंदर कलर या गंदा नहीं होता है। इसे अगली बार अमेठी से टिकट दिलवाओ, अच्छी राजनीति कर लेता है। मतलब इतना अश्लीलता दिखाने के बाद कह रहा है कि फैमिली कंटेंट होता है, मतलब किस मिट्टी के बने लोग यार, शर्म नाम की चीज बिल्कुल है ही नहीं। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठ जाओ, 11 बज गए हैं। आपने शायद जिंदगी में ऐसा कोई हस्बैंड नहीं देखा होगा जो कि सुहागरात के दिन अपनी बीवी के बेड के सामने एकदम मुंह पे कैमरा लगा दे, उठते ही बोले कि उठ जाओ और ये सब दिखाओ वो सब दिखाओ। मतलब क्या लेवल होता जा रहा है इंडिया में यार लोगों का। ब्लॉग के नाम पे बेशर्मी मत दिखाओ, थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, ऐसी हरकतों को थामो, लगाम दो। एक्चुअली जो रूम हम लोगों ने बुक किया था होटल वाइट क्लोव में, उसके अंदर ये चादर पे कुछ दाग आए हैं जो कि फ्लावर्स के होंगे आई थिंक गुलाब के। तो ये मैम जो हमें बोल रहे हैं कि एक्चुअली इनको 700 हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि ये वॉश आउट नहीं होगी। मैंने पे कर रहा हूँ, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई पर्सनली रेकमेंड कि कोई भी वाइट क्लो होटल में बुकिंग ना कराएं क्योंकि इस जैसी घटिया पॉलिसी मैंने किसी होटल में नहीं देखी। भाई तो अपनी सुहागरात के बेड पे रखी हुई चादर को फूलों से भर के उसके ऊपर कबड्डी खेलेगा, उसके बाद उस पर दाग तो लगने संभव है। मतलब कैसी हरकत है, मतलब ये लोग का स्तर क्या है यार, ये मतलब कैसे ऐसे व्लॉग्स बना लेते हैं, मुझे देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गाइस अभी स्नेहा को हो रहा है पेट में बहुत ज्यादा दर्द और अभी हम लोगों को थोड़ा सा ये हो रहा है कि यार दिखाने जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, यही पास में पड़ता है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और स्नेहा क्या हुआ, फर्क नहीं हुआ कुछ? ओ भाई पानी की टंकी भर गई उधर मम्मी, डॉक्टर ने मेरे को कह दिया कि पापा बनने वाला है तू। Such a brave man. ऐसी बातें करने के लिए, सब स्टोरीज दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत बड़े कट्स की जरूरत है ऐसा मुझे लगता है। Anyways guys, congratulations. इस कपल के लिए आपकी मेहनत सफल हुई। तो भाई मेरे हिसाब से तो उनका कहना सही है कि YouTube पे ऐसा गंद नहीं डालना चाहिए और भाई YouTube पे ऐसी वीडियोस डालना, YouTube वालों को भी देखना चाहिए कि ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए YouTube पे। कि जो भी राय है आप नीचे कमेंट कर दीजिए और भाई सब्सक्राइब कर देना।